देखिए शील्ड बम ब्लास्ट हुआ था तब मिसेस सोनिया गांधी भी आई थी, हम सब साथ थे उनके, जो यहाँ मंजर देखा हम लोगों ने, करीब 70 लोग मारे गए थे उस जमाने के अंदर। और उसके बाद में 11 साल लग गए उसको पूरा जुडिशरी में प्रोसेस करने में या निर्णय करने में। मैं समझता हूँ कि सही निर्णय हुआ है, इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए जो कि हिंसा पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेरा मानना है। 22 तारीख को मैं खुद भी पैदल मार्च करूँगा, जिस रूप में इस देश में जो उबाल आया है, कोई कारण नहीं था, क्योंकि इनके एजेंडे जो है वो एजेंडे राजनीति से लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, संविधान की जो मूल भावना है उससे हटके हैं, इस कारण से तकलीफ आ रही है। आज ये कोई कारण नहीं था कि आप किस रूप में आपने संविधान में संशोधन करवा दिया, NRC की बात कर रहे हो जो लागू हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। आसाम में करके देख लिया आपने, 1600 करोड़ रुपये खर्च किए, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कर ली, उसके बाद में आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ आसाम में कह रही है कि लागू नहीं कर सकते, लागू करेंगे। इनके पास में जवाब है, इनकी खुद की गवर्नमेंट है BJP की, वहाँ पर वो कह रही है कि ये हमें मंजूर नहीं है, ये हम इसको लागू नहीं करेंगे NRC को वहाँ पर। और फिर पूरे मुल्क में बार बार गृह मंत्री अमित शाह जी बोल बोल के लोगों को भड़का रहे हैं, पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ लगातार वो पूरे देशवासियों को भड़का रहे हैं कि पूरे मुल्क में मैं लागू करूँगा NRC, जो एक तानाशाही प्रवृत्ति की जो भाषा होती है वो बोलते हैं। ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र में लोग क्या सोचते हैं, विपक्ष क्या कहता है, हो सकता है बहुमत आपके पास हो अलग बात है, पर बहुमत में नहीं है पार्टियाँ, उनकी बात भी सुनी जाती है, देश में क्या ध्वनि निकलती है वो भी देखी जाती है। बार बार आप भड़का रहे लोगों को, उसका नतीजा आ रही है कि जैसे ही अभी कानून नया पास हुआ है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या हो रहा है आंध्र प्रदेश में, क्या हो रहा है आसाम में, क्या हो रहा है त्रिपुरा में, जाएंगे सरकार इनकी है वहाँ पर बंगाल में, तो ये स्थिति बननी नहीं चाहिए थी। हम लोग शांति मार्च निकालेंगे यहाँ पर और शुरू करेंगे एडवर्ड हॉल से सुबह 11 बजे। सबका आह्वान करते हैं हम लोग कि शांति मार्च में अधिक से अधिक लोग भाग लें, 22 तारीख को रविवार को सुबह 11 बजे एडवर्ड हॉल से शुरू करेंगे और गांधी जी का जो स्टेचू है वहाँ तक जाएंगे, गांधी जी के सानिध्य में जाकर के अपनी भावना व्यक्त करेंगे। अभी प्रोग्राम कोई आए तो है नहीं, आते तो उनके स्वागत है, हम तो चाहेंगे वो आए, अगर वो टाइम निकाल सकते हो तो मुझे खुशी होगी राष्ट्र वो आए। हमने अपील करी है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, अपील कर रहे हैं सिविल सोसाइटीज को, अपील कर रहे हैं जितने NGO है राजस्थान में, पूरे राजस्थान के NGO को, सिविल सोसाइटीज को, पॉलिटिकल पार्टियों को, आम नागरिक को जो विश्वास करता है कि आज जो कुछ हो रहा ठीक नहीं हो रहा, उन सबको आना चाहिए। सर एक दर्जन राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार उन पे दमनकारी नीति अपना रही है, इस तरीके से युवा सड़कों पर, ये नौबत क्यों आई तो चिंता के विषय होना चाहिए सरकार के लिए। अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं उनको, जो बर्बाद हो रही है ICU में चली गई है, उनके खुद के जो एडवाइजर है इकोनॉमी के, उन्होंने खुद ने कहा ये बात को, उसी चिंता होनी चाहिए जो पूरे देशवासी चिंता है। अगर इकोनॉमिक मजबूत नहीं होगी तो क्या आप तो योजना बनाएंगे, क्या उन्हें लागू करेंगे, कैसे देश चलेगा, सोचने की बात है। एजेंडा लागू हो रहे हैं दूसरे, तो मैं समझता हूँ लोग समझ गए हैं और इनको समझ आना चाहिए। CAA के समर्थन में BJP का भी या प्रदर्शन था, ज्ञापन दिया, लेकिन उनकी खुद की गुटबाजी सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो कोई उनके फोटो नहीं थे पोस्टर्स में, वो खुद मंच से नीचे बैठ गई, पुनिया जी फिर उनको मनाने आए, नीचे ऊपर लेके गए। अब BJP में गुटबाजी फूल कर आ रही है, सामने आ रही है। गुटबाजी तो हर राजनीतिक पार्टी में चलती, छोटी बड़ी चलती रहती है, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए इसकी।